सारे लोगों को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेशक मीमी का डैडी मुझे उतना प्यार नहीं करता है, बट मैं तो हस्बैंड ने दसा कि हस्बैंड की पकान दे। मैं बना रहा हूं, मैं एक ला रहा हूं, मैं डिसीजन ले चुका हूं। हाय गाइस, सो आज मैं अपने घर का डिनर मैं बनाने वाला हूं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। समय हो चुका है 3:00। यहाँ पे मैं क्यों वीडियो शूट की है, मैंने शूट की है मेरे फेवरेट फाउंडेशंस एंड ऑल्सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एपिसोड नंबर 2। सो अगर आप समवन हैं जो इस डिजीज से डील कर रहे हैं, वो वीडियो उनके लिए है। इसमें हमने बात की है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में, जो कि आप किसी क्रॉनिक इलनेस के साथ आता है एंड उसको मैनेज करने के कुछ तरीके भी मैंने आपको बताए हैं। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और 3 बज चुके हैं। एंड लुक एट माई न्यू हेयर स्टाइल, प्यारा लग रहा है आपको? मुझे भी प्यारा लग रहा है। अब मैं डाउनस्टेयर जाके कुछ खाऊंगी एंड आपको मिलूंगी, क्योंकि आज मैंने प्लान किया है कि मुझे वीडियो शूट करनी है। एंड फिलहाल मैं बहुत टायर्ड हूँ एंड बहुत हंग्री हूँ, सो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी मैं। आप मिलूंगी आपको अजीबो गरीब एनर्जी के साथ कुछ देर में। ओके बाय। हाय गाइस, सो आज मैं अपने घर का डिनर मैं बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आ जा। सो आज मैं आपको रेसिपी बनाऊंगा कि कैसे बनती है शोले चिकन। शोले चिकन की रेसिपी आपको बताई जाएगी। बना मैं राजमा देने बाद दोस्तों, मेरा आत्मविश्वास इतना नहीं है कि मैं आपके सामने अकेला ही वीडियो बना दूं, इसलिए मुझे ज़रूरत है इस सेट की हीरोइन की। आ जाओ, अब तो आ जाओ। हस्बैंड को इंक्लूड किया है मेरी वीडियोस में। बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि उनको ये मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज सोचा कि हस्बैंड ही वीडियो शुरू करें। सो आपको क्लियर कट पता चल गया होगा, हस्बैंड अच्छे हैं बिकेस मेरे साथ है, अकेले हस्बैंड बोरिंग हस्बैंड है। ओके, हम दोनों अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। यू नो, ऐसे होता ना कि किसी के साथ आपका अच्छापन निकल गया आता है, किसी के साथ आपका बुरापन आता है। हम दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छापन निकल गया। Maybe once corona is fake, so I'm gonna go for the world trip, और फिर मैं अकेला व्लॉगिंग करूंगा। I'm gonna go alone with my cameras and I'm gonna travel the world। मैं बना रहा हूं, मैं एक ला रहा हूं, मैं डिसीजन ले चुका हूं। This is what I'm gonna do. Guys, he's lying. I think this is the fun for me if I travel solo. मैं South America जाऊंगा, Europe जाऊंगा, Africa solo. प्यारी अब मुखिया के वाली solo. छोले चिकन? नहीं दोस्तों, वही घिसा पिटा राजमा। यार गाइस, आप बोलोगे कि जब भी हम राजमा बहुत ज्यादा खाते हैं, पर लास्ट जब से कुकिंग की वीडियो बनाई है ना राजमा की, तब से हम आज बना रहे हैं। पर जिस दिन भी हम राजमा बनाते हैं, उस दिन लकी डे होता है कि उस दिन हम व्लॉग भी करें, है ना? उन आई थिंक 7-8 days के बाद व्लॉग कर रहे हैं, मे बी मोर देन दैट। लास्ट व्लॉग ही किस दिन की रहेगा? जिस दिन आप इतने दोनों कुक कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने हमारी फाइट वाला व्लॉग अपलोड किया है ना, वो व्लॉग में इसमें से है, लाइक बहुत पुराना है। केड़ी और जेडी आप फाइट कंपटीशन की ताही दोनों ने और जेडी चे
क्लियरली मैजिक हिंदी चैलेंज वीडियो की थी वो, उसके बाद हमने कितने दिन से व्लॉग नहीं किया, तो आज हम वापस आ चुके हैं ट्रैक पे। हमारी कोशिश होने वाली है एवरी अदर डे व्लॉग करें। मैं तो एवरी डे अदर डे व्लॉग करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरे हस्बैंड टिल्ले हैं दोस्तों, एंड कुछ दिन मेरी तबीयत अच्छी हो गया हूं अब। या क्यों मेरी ना पिछले दिन काफ़ी दिन तक तबीयत अच्छी नहीं थी, तो फिर जब मैं अच्छा नहीं होती तो मेरा घर बहुत डल हो जाता है। अब ये दोनों पता नहीं कैसी दुनिया से मस्त हो जाते हैं कि मेरे बिना दोनों की एनर्जी है ना भाव नहीं, जो मैं हैप्पी हाँ घर तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता माहौल, मेरा नेगेटिव होना बंदा दूसरे नेगेटिव बंदे को भी बूस्ट करता है, दुखी को चल 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 प्लीज लाइक दिस। ये तो सो गाइस इस घर की खुशियां मैं हूं, ये तो हमारा बेसिक मोड है मेरा। ओ हमने हाका खाया था एक दिन, उस दिन भी हमने व्लॉग नहीं बनाया, उस दिन भी चिकन बिरयानी वाले दिन भी व्लॉग नहीं बनाया, पर मैंने उन सारी रेसिपीज को शूट किया है, सो कुकिंग चैनल पे अपलोड करेंगे हाका मंचूरियन की भी, नूडल्स की भी, बिरयानी की भी। उस दिन हमने मूली के परांठे बनाए थे बाबू, मूली के परांठे ही हो जो तुम्हें मेरी हेल्प करना इसी स्क्वीज करने। ओके गाइस इंस्टाग्राम पे मैंने आपको कहा है कि आप मुझे assumptions बताएं मेरे बारे में, हम उसका रिप्लाई करेंगे कि वो सच है या नहीं। सो बहुत 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 सारी assumptions आई हैं, मैंने आपको कहा था कि प्यारी प्यारी करें, अच्छे अच्छे बन के रहें, सो उसके बारे में यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, सो आपको भी पता चलना चाहिए। ओके एलीन ने क्या है कि व्हेन आई वॉच योर व्लॉग्स आई कैन फील द पॉजिटिव कमिंग टुवर्ड्स मी, आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ, दैट्स ट्रू। यस ओके थैंक यू सो मच एलीन, यू आर सो काइंड कि आप ऐसा मानते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू। ओके किसी ने कहा है कि यू आर ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम मैक, सॉ द मैक फोटो फ्रेम इन द अर्लियर व्लॉग्स, नो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली आई एम जस्ट सेल्फ ट्रेंड। ओके वी लव यू, थैंक यू मेकिंग अ स्माइल एवरी सिंगल वीडियो, थैंक यू सो मच अंजलि। ओके किसी ने कहा है कि यू आर हेड ओवर हील्स फॉर मीमीज डैडी, इसका मतलब है कि आप मीमी के डैडी को बहुत ज़्यादा लव करती हैं, उन पर अपना दिल नशावर करती हैं, ये बिल्कुल सच है। बेशक मीमी का डैडी मुझे उतना प्यार नहीं करता है, पर मैं उसे बहुत लव करती हूँ, इतना ज्यादा लव, बंदे को दबाया हुआ है गाइस, हुआ है गाइस, रब गवाह है। आई डोंट नो व्हाई मैं इतना प्यार अपने हस्बैंड को करना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस नॉर्मल रहूँ तो पता नहीं हाँ भाई दस नहीं प्यारी है सच। सो यस आई लव हिम बट अनफॉर्चुनेटली पति उतना मुझे प्यार नहीं करते हैं कि जितना उनको मैं करती हूँ। और ये दिल में होता है, दिल चीर के बताएं तो तेरा नाम निकलेगा। अच्छा जब ये कहीं पे बैठे होंगे मैं उनके पास बैठूंगी, ये कहेंगे उधर जाके बैठ, उधर जाके बैठ, उधर जाके बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ओ कोने, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं मेन डोर के पास बैठ जाती हूँ, फिर आते कहते ही रहती हूँ। दोस्तों बाग आ बाग, बाग में एक रखवाली करता है बाग में फूल, उसमें क्या कहते हैं फल खिले, फल फल फ्रूट है, फल फ्रूट का बाग है, तो मैं कोने में, तो मैं दूसरे मालिक को कहूंगा ना वो अदर साइड वहां पे बैठ जाके, इधर तो मैं हूँ। आहा चिकना चिकना। सो यस दोस्तों एक बंदा होता है पति पत्नी में जड़ा ऐसे करता है, उधर बैठ उधर बैठ उधर बैठ। ओके किसी ने कहा कि आपकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी चाइल्डहुड में, मेरी मम्मी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी, एक्चुअली वो थी पर मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा थी और उनको कभी सख्ताई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। सो नो किसी ने कहा कि यू शुड ट्राई लक इन पंजाबी मूवीज, गाइस मैं मूवीज में काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलेगी भी ना तब भी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके किसी ने कहा कि तुम हमेशा मॉडल बनना चाहती थी, तो उसका रिप्लाई है कि मैं कभी भी मॉडल नहीं बनना चाहती थी और ना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड हूँ, मुझे फैशन मॉडर्न फैशन पसंद है, तो नहीं ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, बहुत सारे तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं देखने में शायद आपको मॉडर्न लगती होंगी, पर आप मेरे इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं, मेरा जो स्टाइल है जो मेरी सोच है वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की है,
लाइक ऐसा नहीं है कि मैं गलत और अंधविश्वासी किस्म का सोच, पर मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाली हूँ. मुझे लगता है मैं ये नहीं पहनूंगी, किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ मैं. लाइक बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स में मुझे ऑफर मिला था जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं नहीं एक्टिंग कर सकती हूँ किसी और लड़के के साथ, या फिर बहुत सारे तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ मैं. सो ना उन्होंने मुझे नहीं लिया, तो इस वजह से मैं क्या होर किसी की चफियां पाई ये भी अड़ गई. ओके भी नहीं रहे, मैं भी नहीं जितांगे इकट्ठे हारांगे इकट्ठे. मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो उसके पास ऐसे काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा रहता है कि तुम ये कर लो, उस गाने में एक्टिंग कर लो. बेचारा मेरे लिए काम ढूंढ के लाता है, पर उसे पता है कि मैं नहीं करूँगी. फिर भी वो लगता रहता. फिर कोई कहता है कि आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं. फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती नहीं हूँ मैं, फैशन डिज़ाइनर. सो यस, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती नहीं हूँ मैं, काइंड ऑफ हूँ. मेरी मम का बुटीक हुआ करता था इंडिया में, और बहुत छोटी उम्र में ही मैं उनको देखती थी कि वो कैसे डिज़ाइन करती हैं या स्टिच करती हैं. तो मैंने उनको देख देख के सीख लिया. बहुत सारी मैं चीज़ें क्रिएट करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, पर काफ़ी बार मैंने किया भी होगा. अभी भी मैं कई अपने आउटफिट्स डिज़ाइन कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही मेरे कमिंग ब्लॉग्स में. मेरे पेंट कर रही हूँ मैं मेरे आउटफिट को, एंड या मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी. किसी ने कहा है कि यू आर सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव. एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट मैं ग्रेटफुल हूँ. जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ. बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उन चीज़ों के लिए कि वो मेरे पास हैं, पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ. बहुत सारी हंगर है, मुझे बहुत सारी चीज़ें और चाहिए. सो या नॉट सेटिस्फाइड. बहुत सारे लोगों ने बेबी के बारे में कहा है कि मुझे सेकंड बेबी नहीं चाहिए, या मुझे गर्ल बेबी चाहिए था, या ऐसे ऐसे बहुत 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 सारी अजम्पशंस बेबी को लेकर है. और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं नहीं हूँ दोस्तों. मैं बस मोटी हो गई हूँ राजमा राइस खा खा के. इट्स जस्ट फूड फैक्ट. सो बेबी नहीं है दोस्तों, बस मोटापा है. एंड सेकंड बेबी, या हमें बेबी चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए, बट आई डोंट नो कब आएंगे. आपको पता है कि मेरी हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, सो मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है. आप प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करा करें कि मेरे लिए आसान हो जाए. बट या दैट्स अजम्पशंस, ऑल बेबी अजम्पशंस आई थिंक क्लियर हो गई होंगी. और इस बात को यहीं पर थम कर दिया जाए दोस्तों, मुझे बहुत सारे बेबीज चाहिए. किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपको कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमेशा से शेफ बनना चाहती थी, आप बस ऐसे ही बोलती है कि मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, आपको पसंद है. सो या मैं कभी शेफ नहीं बनना चाहती थी, अगर बनना नहीं चाहती थी मैं शेफ बनना, और कुकिंग मुझे पसंद नहीं है. अगर ऐसा कोई बंदा मिले जो मेरी जगह कुक करता रहे, तो मैं कभी भी किचन में नहीं आऊँ. तभी तो मैं सीख रहा हूँ. I hate cooking, guys. दोस्तों इसको खुश रखने की वजह से मैं सीख रहा हूँ कुकिंग. कड़छी मारना सीख रहे हूँ. बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि उनको मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. थैंक यू वेरी मच. उनमें से एक है लवदीप, साक्षी, पलविंदर, सौम्या द बेस्ट, ईशा एंड मनदीप. सो यह बहुत सारे दोस्तों ने ये लिखा है कि उनको मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच्ची में आपको वाइब्स का पता चलता है. और मैंने सुना था कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, आपको पता चल जाता है कि बंदा किधर ही वाइब्स भेज रहा है, और जब आप कहते हैं कि आपको वो वाली वाइब्स मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू वेरी मच. और पति के बारे में लोगों ने कहा है कि पति बहुत खड़ूस है, जो कि बिल्कुल सही है. अजम्पशन टू द पॉइंट है. ओके, पति दी अजम्पशन नहीं, हमने मांगी थी, हमने हमारी मांगी है, ये हमने हमारी तरफ से ठोक दी है. सो यह फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच आपको बहुत सारे अजम्पशन भेजने का. अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप कर लें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली ऐसी किसी भी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाएं. सो हमारे इंस्टाग्राम पे मेकअप का गिव अवे भी आने वाला है, सो आपका वहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. काफ़ी समय हो गया है कि मैं अकेले बोल रही हूँ, तो पति को लाया जाएगा और उनका इसमें छिड़का जाएगा. तब तक मैं मेरा उधर काम कर रही हूँ. बहुत बड़ा दुगन मेन शेफ की लोड़ा. वेरी सून हम लड़कों का गिव अवे भी निकालने वाले हैं, सो लड़कों प्लीज सब्सक्राइब करो. हम लोग जो गिव अवे करते हैं वो है पत्नियों को खुश करने वाले वाला. पत्नियाँ खुश, पति खुश, लड़के. सो हमारे राजमा ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं. अब मैं कुक करूँगी थोड़ी सी राइस.
सो मैं राइस भी बनाने वाली हूँ उसी के साथ। अदर चीज है कि आज हमारे पास पुदीना नहीं है, नहीं तो मैं चटनी भी बनाती हूँ, या चटनी खाने के लिए मन है। और ये मेरा पहला मील होने वाला है इस दिन का, पहला एंड आखिर। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ खाया है एप्पल एंड बनाना एक जार एंड स्ट्रॉबेरी। सो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है दोस्तों। Hi guys, my mom is cooking my favorite food, vodka and rice. My favorite. I need to go now. All right, दोस्तों तो हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब खाना सर्व किया जाएगा। सबसे पहले हमारे घर में खाना हम सर्व करते हैं प्यारे मीमी को। अगर हिम्मत को सबसे पहले सर्व नहीं किया जाए तो हिम्मत थोड़ा नाराज हो जाता है, कहना कि मीनू पहला दो, राइट मीमी? हिम्मत ना मम्मी का बात मानता है, उन्हें कुछ भी कह दो कि मैं राइट कह दो, राइट ही कहेगा। हिम्मत बहुत खराब बच्चा है, राइट हिम्मत? हिम्मत कति कहना नहीं मानता, राइट हिम्मत? हिम्मत को राजमा राइस बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट हिम्मत? हिम्मत हेट राजमा, राइट हिम्मत? I was just checking you. ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि राजमा की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है शायद। यस है। राजमा पहले मैं किसी और तरीके से बनाया करती थी, पर अभी मैंने कोई नया तरीका शुरू किया है। उसकी भी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, कुकिंग चैनल का नाम है सिमार कैन कुक। बहुत जोश एंड होश के साथ वहाँ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही प्यारी रेसिपीज हैं। सो हिम्मत को दे दिया जाएगा ये। सो नंबर टू पे घर में सर्व किया जाता है क्यूटी पाई नंबर टू। सो नंबर थ्री पे फूड मिलता है घर की सबसे प्यारी सदस्य को। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करेंगे नन्हे पोर्शन के साथ। बहुत ज़्यादा गर्म है पर या टेस्ट टेस्ट किया जाएगा। बहुत अच्छा बना है, स्पाइसी। और कमी है पुदीने की चटनी की, दही वाली। आई रियली आई एम मिसिंग गाइस। बहुत अच्छे राजमा बने हैं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा आसान है। लाइक कोई भी जो बिगिनर है वो भी इतने अच्छे राजमा बना सकता है इस रेसिपी को फॉलो करके। आज मेरे हस्बैंड ने भी रेसिपी देख ली, कुछ नहीं डाला हमने। एंड यहीं पे इस व्लॉग को फिनिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसको आपने इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी lemon squeezy. That's it. That's it. Bye. I love you.